वेलकम टू माय चैनल शेफ निकिता। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ 6 महीने के बच्चे के लिए जब आप फ्रूट प्योरी बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं बनाना प्योरी। तो सबसे पहले आप स्टीमर ले लीजिए या फिर स्टीमर के जैसे कोई बर्तन, और उसमें एक कंप्लीट होल बनाना को डाल दीजिए और इसे स्टीम कीजिए फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ढक्कन हटा के बनाना को किसी प्लेट में बाहर कर लीजिए। जब बनाना पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम बनाना का प्योरी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए गाइज, ये बनाना है और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका प्योरी बनाऊंगी। सो गाइज, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक स्पून लेना है, लेकिन मैं हाथ से करने वाली हूँ, बट मैं आपको स्पून भी दिखा रही हूँ कि अगर आप हैंड यूज़ ना करना चाहें तो आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना को पील ऑफ कीजिए और बनाना को इसी स्ट्रेनर में डाल के हाथों की मदद से गोल गोल घुमाइए। जितने भी बनाना के प्योरी है वो नीचे आ जाएगी और जितने भी बनाना में रेशा है वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाएगा। इससे बच्चों को चोक करने की प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे इजीली बनाना को खा लेंगे। बनाना जो है इसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जाइज करता है, और इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो बेबी को बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि फॉलेट यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन सी एंड पोटेशियम। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये मिलके हमारे मतलब बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, आयरन को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बनानास आर अ ग्रेट पोटेशियम रिच फ्रूट। पोटेशियम जो है ना वो एक बहुत ही क्रूशियल न्यूट्रिएंट है फॉर ग्रोइंग बेबीज, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट दैट मैनेजेस हाइड्रेशन लेवल, यानी बच्चों को पानी की कमी से बचाता है, और गर्मी का टाइम भी है, और ये पॉसिबल करता है कि जो ऑक्सीजन है वो बच्चों के सेल्स में इजीली पहुंच जाए। तो बनाना के अपने आप में ही बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए आप एक कंप्लीट बनाना बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन हाँ 6 मंथ की बेबी को। बहुत लोग रिकमेंड नहीं करते हैं बनाना पूरा गोटा देना, 1/4 या 1/3, बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जितना बेबी खा सकता है आप उसे उतना खिलाइए। आप एक ही बनाना निकालिए, अगर वो होल बनाना खा ले रहा है देन इट्स गुड, और अगर नहीं खा रहा है, 1, 2, 3, 4 चम्मच ही खा रहा है तो आप उसे बस इतना ही खिलाइए, फोर्सफुली ईटिंग मत कराइए। और हाँ, ये भी मैटर रखता है कि बच्चों को ये बनाना अच्छा लगता है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो लाइफ टाइम बनाना नहीं पसंद कर सकते, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे बनाना ज़रूर खिलाएं। 1 चम्मच या 2 चम्मच से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे उन्हें पसंद आने लगेगा। इसमें कोई चीनी नमक कुछ ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ हमें बच्चों को खिलाना है। सो गाइस, आप देखिए नीचे जितने भी बनाना की प्योरी आई है मैं उसे काट ले रही हूँ और अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।